क्या होता अगर वेनम अवेंजर्स एंड गेम मूवी में एग्जिस्ट करता? क्या होता अगर एंड गेम के फाइनल बैटल में एडी ब्रॉक थैनोस से लड़ने में अवेंजर्स का साथ देता? इन इवेंट से एमसीयू की टाइमलाइन पर क्या असर होता और इससे कहानी कितनी हद तक चेंज होती, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर एंड गेम मूवी में वेनम होता तो एंड गेम की स्टोरी कितनी अलग होती। तो हमारे इस रियलिटी में एडी ब्रॉक को सीरियल किलर क्लीटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया था, जैसे कि हमने वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। क्लीटस एडी से कहता है कि जल्द ही कार्नेज होगा जब वो जेल से भाग जाएगा। जब क्लीटस एडी को टॉन्ट मार रहा होता है तभी अचानक क्लीटस धूल बन जाता है, यानी कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के स्नैप करने की वजह से जो आधी पॉपुलेशन गायब हुई थी उनमें क्लीटस भी शामिल होता। ये देखकर एडी काफी शॉक्ड हो जाता और फिर वो सारे गार्ड्स को अलर्ट करने जाता, लेकिन वहां के सारे गार्ड्स भी धूल बनकर गायब हो जाते। एडी इस बात से परेशान होकर एनी को कॉल करता पर कोई कॉल नहीं उठाता क्योंकि एनी भी गायब हो चुकी थी। एडी बाहर आता और उसे पता चलता कि आधे से ज्यादा प्रिजनर्स और गार्ड्स गायब हो चुके हैं। एडी काफी कंफ्यूज हो जाता और काफी समय बीत जाने के बाद उसे ब्लिप के बारे में पता चलता और वो इस बात से टूट जाता कि एनी भी ब्लिप का शिकार हो गई। इसके बाद एडी काफी रिसर्च करता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और जल्दी उसे पता चल जाता है कि अवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे थे पर वो उसे स्नैप करने से नहीं रोक पाए। अब एडी को ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अवेंजर्स का ठिकाना ढूंढेगा। हमारे इस कहानी में एंड गेम की स्टोरी कुछ हद तक सेम होगी, जैसे कि अवेंजर्स थैनोस को ट्रैक डाउन करेंगे और वहां पर थॉर थैनोस का सर काट कर उसे मार देगा और फिर 5 साल बाद एंटमैन क्वांटम रियल से वापस आएगा और वो अवेंजर्स कंपाउंड में आकर नताशा और कैप्टन से मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एडी को अवेंजर्स का ठिकाना मिल चुका था और उसके अंदर अवेंजर्स के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि वो मानता था कि इन सुपर हीरोज का काम था इस धरती को बचाना, जिसमें वो फेल हो गए और उनकी इसी नाकामयाबी की वजह से इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो गई, जिसकी वजह से उसने अपनी एनी को भी खो दिया। वेनम एडी से कहता है कि उन्हें अवेंजर्स से इस बात का बदला लेना ही चाहिए। यहाँ जब स्कॉट कैप्टन और नताशा को टाइम ट्रैवल के बारे में बता रहा होता है तभी ब्रॉक अवेंजर्स कंपाउंड पहुंच जाता है और वो सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू कहता है कि उसके पास थैनोस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है ताकि नताशा और स्टीव उसे अंदर बुलाए। नताशा और कैप्टन थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही स्कॉट यहां आया हुआ था, पर तभी एडी उन्हें बताता है कि वो एक वेरीफाइड जर्नलिस्ट है। नताशा एडी के बारे में चेक करती है और उसे पता चलता है कि एडी सच बोल रहा है, वो सच में एक जर्नलिस्ट है। पर इन्हें ये पता नहीं होता कि एडी के अंदर वेनम भी है, या फिर यूं कहो कि इन्हें वेनम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एडी को अंदर बुलाया जाता है जहां पर वो उन्हें अपने बारे में बताता है और ये भी बताता है कि 5 साल पहले क्या हुआ। वो उन्हें बताता है कि वो काफी टूट गया था जब उसने एनी और अपने कलीग्स को खो दिया था, जिसका जिम्मेदार वो अवेंजर्स को मानता है क्योंकि उन्हीं की नाकामयाबी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। कैप्टन समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो नताशा और स्कॉट को पीछे हटने को कहते हैं। एडी तुरंत वेनम में बदलता है और उस पर हमला करता है। स्टीव और नताशा उससे लड़ते हैं पर वो उन पर भारी पड़ता है क्योंकि वेनम बहुत पावरफुल था। वेनम कैप्टन को मारने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन एडी से कहते हैं कि हमने थैनोस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसने किसी अपने को खोया है। कैप्टन की ये बातें सुनकर एडी शांत हो जाता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। हालांकि वेनम कैप्टन को खाना चाहता था पर एडी वेनम को शांत कर लेता है और तभी नताशा टेजर से एडी को बेहोश कर देती है। कुछ घंटों बाद जब एडी की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है और कैप्टन कह रहे होते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा क्रिएचर नहीं देखा। तभी एडी उन्हें अपने और वेनम के बारे में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि 5 साल पहले जो भी उसके साथ हुआ उससे वो काफी इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि इतने सारे लोगों के गायब होने की वजह अवेंजर्स ही है। पर तभी स्कॉट उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो सभी गायब हुए लोगों को वापस ला सकते थे और ये भी कि ये टोनी स्टार्क से मिलने वाले हैं जिसमें यही उनकी मदद कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एडी भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता था पर स्टीव और नताशा को एडी पर भरोसा नहीं होता। तभी एडी उन्हें अपने कमजोरियों के बारे में बताता है जो सोनिक और फायर थी, यानी कि तेज आवाज और आग, ताकि वो उस पर ट्रस्ट कर सके। वो टोनी से मिलने गए जहां पर टोनी एडी को देखकर काफी सरप्राइज हो गए और तभी एडी कहता है कि वो अवेंजर्स की मदद करना चाहते हैं भले ही चांसेस कितने ही कम क्यों ना हो। एडी बस अपना बेस्ट देना चाहता था ताकि वो एनी को वापस ला सके। इसके बाद की स्टोरी सेम होगी जैसा कि हमने मूवी में देखा था।
टोनी मना कर देते हैं और फिर ये बैनर की मदद लेते हैं, पर जल्द ही टोनी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर सारे अवेंजर्स मिलकर समय में पीछे जाते हैं और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करते हैं। पर इसी दौरान सोल स्टोन लेने के चक्कर में नताशा खुद की जान सैक्रिफाइस कर देती है। टोनी और बैनर नैनो गॉन्टलेट बनाते हैं जिसमें वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स प्लेस करते हैं और फिर वो ये डिस्कस करते हैं कि कौन इस गॉन्टलेट को पहनकर स्नैप करेगा ताकि वो गायब हुए लोगों को वापस ला सके। एडी कहता है कि वो ये काम करना चाहता है, पर डॉक्टर बैनर उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो खुद स्नैप करना चाहते हैं क्योंकि वो गामा रेडिएशन सह सकते हैं। फिर हल्क स्नैप करते हैं जिससे गायब हुए सारे लोग वापस आ जाते हैं और तभी एडी को एनी का कॉल आता है, जहां पर एनी कह रही होती है कि वो काफी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और आखिर हुआ क्या था। एडी एनी की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो एनी से कहता है कि उन्हें मिलना चाहिए, पर तभी अचानक वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा एवेंजर्स कंपाउंड तबाह हो जाता है। एडी तुरंत अपने आप को वेनम में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि उसे कम से कम चोट लगे। इसके बाद मूवी की तरह ही थॉर, कैप्टन और आयरन मैन थैनोस से लड़ते हैं, पर यहां इस बार वेनम भी इनके साथ लड़ता है। काफी तगड़ी फाइट होने के बाद थैनोस सबको ओवरपावर कर लेता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज सारे एवेंजर्स को अर्थ पर टेलीपोर्ट करते हैं और फिर लड़ाई शुरू होती है, जहां सारे एवेंजर्स थैनोस से गॉन्टलेट को प्रोटेक्ट करते हुए एलियन से भी लड़ते हैं। जैसे कि मूवी में हुआ, कैप्टन मार्वल की एंट्री होती है और वो थैनोस के शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैप्टन मार्वल स्पाइडरमैन से वो गॉन्टलेट लेकर क्वांटम टनल वैन की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी थैनोस उस वैन को उड़ा देता है, जिससे एक शॉक वेव क्रिएट होता है और कैप्टन मार्वल दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उससे वो गॉन्टलेट गिर जाता है। थैनोस उस गॉन्टलेट को उठाकर पहन लेता है। तभी वेनम थैनोस से वो गॉन्टलेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन थैनोस पावर स्टोन से वेनम को पंच मारता है और रियलिटी स्टोन यूज करके सोनिक बीम्स शूट करता है, जो वेनम की कमजोरी थी। पर तभी वहां कैप्टन मार्वल पहुंच जाती है और वो और वेनम मिलकर थैनोस से लड़ते हैं। तभी टोनी भी उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और वो थैनोस से लड़ते हुए उसके हाथ से वो गॉन्टलेट निकाल लेते हैं। कैप्टन मार्वल और वेनम थैनोस को ओवरपावर कर लेते हैं क्योंकि थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। टोनी गॉन्टलेट पहनने ही वाले होते हैं कि तभी एडी वो गॉन्टलेट टोनी से छीन लेता है और कहता है कि उसने थैनोस से बदला लेने के लिए 5 साल इंतजार किया है, इसलिए वो ही स्नैप करके थैनोस का अंत करेगा और शायद सिम्बियोट इन इन्फिनिटी स्टोन्स के असर को झेल पाए। थैनोस एडी की तरफ देखता है और एडी तुरंत अपने वेनम फॉर्म में उस गॉन्टलेट को पहन लेता है और गॉन्टलेट पहनते ही उन इन्फिनिटी स्टोन्स का असर वेनम पर होने लगता है। वेनम स्नैप करता है जिसकी वजह से थैनोस और उसकी आर्मी गायब हो जाती है, पर जैसे कि एंड गेम में स्नैप करने के बाद उन इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से टोनी की जान चली गई थी, यहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है। स्नैप करते वक्त उन इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी का असर एडी पर होता है और इतनी ज्यादा एनर्जी पास होने की वजह से वेनम सिम्बियोट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन एडी बच जाता है। लेकिन स्नैप करने की वजह से उसकी राइट साइड का बॉडी और फेस जल जाता है, पर मरने से पहले वेनम एडी से कहता है कि उसे उसका दोस्त बनकर बहुत खुशी हुई और एडी जो कि काफी कमजोर हो चुका था वो वेनम को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने अंत तक उसकी मदद की। इस रियलिटी में टोनी जिंदा थे और वो एडी को अवेंजर्स टीम में शामिल कर लेते हैं। ओल्ड स्टीव अपनी शील्ड सैम को दे देते हैं और थॉर गार्डियंस को ज्वाइन करते हैं। एडी का इलाज होता है और फिर हमें पता चलता है कि वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट बच गया था जिससे वेनम जिंदा बच गया और वो अब भी एडी के साथ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनम मूवी के एंड में वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से जल गया था, पर क्योंकि उसका एक छोटा सा हिस्सा बच गया था वेनम जिंदा बच जाता है, क्योंकि इन सिम्बियोट्स के पास ऐसी पावर्स होती है कि वो अपने एक छोटे से पार्ट से भी अपना क्लोन बना सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, अगर वेनम एंड गेम मूवी में होता तो क्या होता? क्या वो थैनोस को मार पाता और क्या स्नैप करने के बाद वो बचता? आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।